हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्पायर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग इनकम और आय वाले प्रश्नों को सॉल्व किए थे, जिसमें वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्न देखेंगे, मतलब ऐसे प्रश्न, प्रतिशत के ऐसे प्रश्न जिनमें कुछ फेल और पास होने की बात की जाएगी, उस टाइप के सवालों को हम आज देखेंगे। ये जो इस टाइप के सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे। उत्तीर्ण का मतलब हुआ पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल होना। तो यहाँ पे आपको बताया, देखिए बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया कि पास जो छात्र हैं उत्तीर्ण वाले 78% हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी परसेंटेज जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पास 78% है तो फेल कितने होंगे, तो 100 में से 78 घटा देंगे तो 22%। ठीक है, तो फेल वालों की संख्या कितनी है, 22%। अभी बोला है कि यदि 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 110 छात्र अगर फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे। तो देखिए, 22% की वैल्यू इसने दे दी है, मतलब हमको पता है 22% फेल है और ये बताया है कि 110 छात्र फेल हुए, तो 22% बराबर 110। तो यहां से अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 110/22। ठीक, अब 11 दाहम 110, 11 दूनी 22 और 2 पंचे 10। ठीक, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी है, 5%। और टोटल छात्र कितने हैं, 100%। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 100, क्योंकि 100% निकालेंगे तो 100 में से जब 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रतिशत छात्र पास दिए हैं तो फेल आप निकाल सकते हैं, ये कि फेल दिया है तो पास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल इस टाइप से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब उसको पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक अगर और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जो यहाँ पे लिखा है वहां पे लिख लेते हैं। देखिए, 36% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन उसने कितना प्राप्त किया, 24% अंक प्राप्त किया। अगर वो 9 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, कि दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं बराबर हो जाएंगे। देखिए, बराबर होने के लिए 36% अंक चाहिए, लेकिन उसको 24% अंक मिला, अगर 9 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो हम अगर 9 अंक इसमें जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, परसेंटेज वाला इधर ला लीजिए आप, तो 36% - 24% = 9। अब 16 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 12, 12% = 9। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा 9/12, तो 3 × 3 = 12। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/4, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी, 100%, क्योंकि पूर्णांक अपने आप 100% होगा। तो 3/4 × 100, तो 4 × 25 = 100। तो जो पूर्णांक था 25 × 75 अंक। ठीक है, तो जो पूर्णांक होगा वो कितना जाएगा, 75 अंक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 175 लिखा है, 75, ठीक है, गलती से 175 लिख गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो 35% अंक पाया लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से 20% अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो इसमें आपसे दो चीज पूछी, पहला पूर्णांक ज्ञात करिए और दूसरा पासिंग मार्क बताना है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना था। तो देखिए, यहाँ पे बोला एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, मतलब 35% अंक प्राप्त किया और अगर ये 20 मार्क्स और पा जाता तो क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, पास हो जाता। जबकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किया, मतलब ये भाई साहब 40% अंक प्राप्त किया इस दूसरे वाले छात्र ने और ये न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क था उससे 20 अंक ज्यादा प्राप्त किया। मतलब अगर इसका 20 अंक हम घटा दें तो ये जस्ट पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, ये भी पासिंग मार्क के बराबर, ये भी पासिंग मार्क के बराबर। तो इस टाइप से हम इक्वेशन बना लेंगे। इसमें देखिए 35% - 40%, इसको परसेंट वाले उधर ला लेंगे, इधर -20 और ये उधर जाएगा तो ये भी -20। ठीक
ठीक है, यहां से निकल के आएगा -5% और इधर -40, दोनों तरफ से काट दीजिए, 1% की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा 40/5, तो 5/8 1% की वैल्यू जो है वो 8 है, तो पूर्णांक 100% होता है अपने आप में, तो 100% 8×100, तो जो पूर्णांक निकल के आएगा वो हो जाएगा 800 अंकों का। अब उसने दूसरे में पूछा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना था, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए वाला भी क्वेश्चन रख दीजिए, चाहिए वाली क्वेश्चन रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पास देखिए 1% की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ पे 35%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 35×8+20। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8×5=40, 4×8=24, 4×28 और ये 280 और 20, मतलब जो पासिंग मार्क था वो था 300 मार्क्स। ठीक है, तो इस टाइप से थर्ड वाला सवाल समझे, देखिए इतना बड़ा सवाल था लेकिन इसको हम बहुत ही इजीली ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें आपको विषय दी गई है, आपको विषय पे आधारित सवाल पे यहाँ पे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखा देखिए, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए तो दोनों को मिलाकर कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो बस आपको सवाल में जो दिया पहले लिख लीजिए, 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, तो एक हमारे पास हिंदी है, दूसरा साइंस विज्ञान में, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास और यहाँ पे लिख देते हैं फेल। ठीक है, ठीक है, 40% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि 60% विद्यार्थी फेल होते होंगे, क्योंकि आखिर परसेंट तो 100 ही है, तो 40% अगर पास हुए तो 60% फेल होते होंगे। इसके बाद साइंस में 80% विद्यार्थी पास होते हैं, तो जाहिर सी बात है 20% विद्यार्थी फेल होते होंगे। अब इसके बाद देखिए अगली लाइन क्या बोल रहा है, यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए, अगर इन दोनों को मिला दें तो 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल होते हैं। देखिए जिन दोनों को मिलाते हैं तो 80% आता है, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब दोनों को मिलाकर फेल या पास की बात करें, जितना आपको दिया है उतना इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जब आप ये बोल रहे दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए, तो दोनों को मिलाया तो 80%, उसमें से 40% विद्यार्थी फेल हुए, तो 40 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40%, मतलब टोटल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं वो 40% हुए फेल, तो टोटल विद्यार्थी तो 100% है, 40 फेल हो गए तो पास कितने हो गए, तो 60% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, क्योंकि 100% थे जिसमें से 40 अगर फेल है तो 60% पास होंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों को मिलाकर कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, उसको यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, ठीक है, पास विद्यार्थी 2500 हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। सेम उसी टाइप का सवाल है, बस उसमें एक लाइन इसने बढ़ा दी है, जो उत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसको इसने दे दी है। तो बस आपको जो जो सब्जेक्ट दी गई है, अंग्रेजी दिया गया है और गणित दिया गया है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश और मैथ लिख लेंगे, इधर आप पास और इधर फेल लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 40% यहाँ पे फेल होंगे, क्योंकि 60% अगर पास है तो 40% फेल होंगे, 70% पास है तो यहाँ पे 30% फेल होंगे। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 20%, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 70% इसमें से 20% अगर हम माइनस कर देते हैं तो टोटल 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं दोनों विषयों में। ठीक है, 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं दोनों विषयों में। इसके बाद आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 जब अनुत्तीर्ण रहे तो पास कितने रहेंगे, 50% विद्यार्थी पास होंगे, जाहिर सी बात है अगर 50% फेल है तो 50% ही पास होंगे। अभी ये क्या दिया है, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थियों दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, अब 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं तो 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है, तो उसकी संख्या कितनी दी गई, 2500, तो इसको लिख लेंगे 50% = 2500, क्यों, क्योंकि 50% विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं और उनकी जो संख्या है वो 2500 दी गई है, तो 50% = 2500 हो जाएगा। यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसको कट कर लीजिए, यहां से कट जाएगा, 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 250/5 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 25 और ये 50, 1% की हो गई 50,
अब टोटल स्टूडेंट तो 100% हो गया, तो 100% बराबर हो जाएगा 50 × 100, तो आ जाएगा टोटल 5000 स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा, जो कि 5000 स्टूडेंट होंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके सामने सिक्स नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में राहुल ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। इस टाइप के सवाल परीक्षा पर आधारित सवालों के ये लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, इसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे और चुनाव पर आधारित सॉल्व करेंगे प्रश्न अगले वीडियो पे। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं जो बोला है। देखिए मैंने शुरू में बताया कि परसेंट में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे बोला एक परीक्षा में राहुल ने 70% अंक प्राप्त किया टोटल, उसे 4 विषयों में से पहले विषय में 81% अंक मिलते हैं, दूसरे विषय में 66% और तीसरे विषय में 61% अंक मिलते हैं, चौथे में आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। मान लेते हैं पूर्णांक, उसका पूर्णांक कितना है 100%, ठीक। तो ये चार विषय का हो जाएगा, तो चार विषय का जो पूर्णांक हो जाएगा 100, 100, 100, 100, तो ये पूर्णांक इसका कितना हो जाएगा 400 पूर्णांक हो जाएगा। अब इसको 70% अंक प्राप्त हुआ है, मतलब 400 में से 70% अंक प्राप्त हुआ, 400 पूर्णांक हुआ उसमें से 70% अंक उसको प्राप्त हुआ। तो 400 का 70% निकालेंगे तो 400 × 70/100 ये कट जाएंगे दोनों चीजों, तो इसको मिल जाएगा 728, मतलब इसको 400 में से टोटल 280 अंक इसको मिले हैं, ये 400 में से टोटल 280 अंक इसको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब तीन विषयों के अंक आपको यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको जोड़ लीजिए 6, 7, 8, 8, 6, 14, 14, 6, 20, ये देखिए 280 टोटल इसको मिला है और 208 तीन विषयों का है, तो चौथे विषय का निकाल लेंगे। 280 में से अगर आप 208 घटा देंगे तो चौथे विषय का आ जाएगा, तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो चौथे विषय में इसको 72% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 72 मिला, मतलब 100-100 का हम लिए हैं तो 72% हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राहुल को चौथे विषय में 72% अंक प्राप्त होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी टाइप की वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग लाएंगे जनसंख्या पर आधारित प्लस परसेंटेज की। थैंक यू वेरी मच।